तेरा पुरुष में केस दे रहे डीएसडब्ल्यू वालों ने, तू बनाते क्यों है? तेरे से उस लड़के का नंबर भी लेंगे, उस लड़के का तेरे से सब कुछ पूछेंगे, उसके घर तक पहुंचना, तेरे घर तक में तेरे को हॉस्टल में बिल्कुल नहीं रखना। इसका इंसिडेंट बोर्ड बनेंगे जो मैं मैडम से बात करती हूँ। क्यों पढ़ मैं प्लीज क्यों शुरू कर, इतना गंदा काम कर रही है तू, क्या पता तू कब 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 से इनका कर रही है सबका। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण है और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कुछ ऐसा ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ है, जहां एक स्टूडेंट ने करीबन 60 लड़कियों का एमएमएस क्लिप वायरल कर दिया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जोरदार प्रदर्शन किया। बहरहाल खबर तो आपको पता ही होगी, लेकिन आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी में वायरल वीडियो लीक मामले के बीच कैंपस में 6 दिन के लिए सभी क्लासेस सस्पेंड कर दी गई हैं। 6 दिन की छुट्टी की घोषणा के बाद कई छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी हॉस्टल छोड़कर घर जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। खबर है कि 26 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चला प्रदर्शन रविवार 18 सितंबर की देर रात को खत्म हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉस्टल की 2 वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी वार्डन का तबादला किया जा रहा है। इसके साथ ही हॉस्टल की टाइमिंग भी बदल दी गई है। सूत्रों के मुताबिक यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी छात्राओं को सोमवार सुबह तक हॉस्टल खाली करने को कहा था। हॉस्टल छोड़कर जा रहे छात्रों का कहना है कि वो हॉस्टल की फीस वापस करने का अनुरोध करेंगे। बता दें, यूनिवर्सिटी प्रशासन लगातार इस बात से इनकार कर रहा है कि आरोपी छात्रा ने दूसरी लड़कियों के वीडियो बनाए थे। मामले में पुलिस ने अब तक आरोपी लड़की, उसके प्रेमी और उसके दोस्त समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर है कि प्रशासन ने छात्रों को मनाने के लिए कई आश्वासन दिए, जिसमें मजिस्ट्रियल जांच, महिला अधिकारियों की देखरेख में एसआईटी का गठन, छात्र छात्राओं को पिकनिक पर ले जाने और गर्ल्स हॉस्टल में महिला कांस्टेबल की तैनाती आदि शामिल है। जब प्रशासन ने ये सारी मांगें मान ली तो ही छात्र प्रदर्शन खत्म करने पर सहमत हुए और फाइनली प्रदर्शन खत्म हो गया। पूरा मामला क्या है, अब जरा ये समझिए। दरअसल 17 सितंबर को हॉस्टल की लड़कियों ने आरोप लगाया कि एक छात्रा ने कई गर्ल्स स्टूडेंट्स का वीडियो बनाकर अपने बॉयफ्रेंड को भेज दिया है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में हंगामा मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी छात्रा को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन यूनिवर्सिटी में हजारों छात्राओं ने दिन भर धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने शनिवार शाम आरोपी छात्रा के बॉयफ्रेंड को शिमला से गिरफ्तार कर लिया। 18 सितंबर की रात पुलिस ने शिमला में एक 31 वर्षीय शख्स को भी हिरासत में लिया। दोनों से पूछताछ जारी है। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या था। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मामले पर यूनिवर्सिटी प्रशासन का दावा रहा है कि आरोपी छात्रा ने सिर्फ अपना वीडियो बनाकर बॉयफ्रेंड को भेजा था। प्रशासन ने प्रदर्शनकारी स्टूडेंट से समझौता करने की गुजारिश भी की थी। कहा गया कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं की एक कमेटी बनाने को तैयार है। मामले की मजिस्ट्रियल जाँच कराने का भरोसा भी दिया गया है। वहीं स्टूडेंट्स का कहना है कि शनिवार को वो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ बल प्रयोग क्यों किया गया, उन्हें FIR की कॉपी क्यों नहीं दी गई। छात्राओं का आरोप है कि सुसाइड की कोशिश के मामले छुपाए जा रहे हैं। आत्महत्या की कोशिश करने वाली छात्राएं कौन है, ये सामने आना जरूरी है और सामने आना भी चाहिए। हालांकि प्रशासन ने किसी आत्महत्या की खबर से इनकार किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।